नमस्कार दोस्तों, हमारी किचन एक औषधालय है। ये मैंने पहले भी कहा था, आयुर्वेद के हिसाब से भी हमारी किचन में ऐसी चीजें मिलती हैं, इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक रख सकती हैं, हमें बीमारियों से बचा सकती हैं। और हम उनका अगर यूज रेगुलर बेसिस पर और सही मात्रा में सही समय पर करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं मोटापा बढ़ा हुआ है, कहीं डायबिटीज बढ़ी हुई है, कहीं बीपी का प्रॉब्लम है, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट में सुधार करके और इन चीजों को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करके बीमारियों से बच सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती है। एज ए नेचुरोपैथ मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी दवाई खानी ही नहीं पड़े, ऐसी भी नौबत ही नहीं आए कि दवाई खाएं। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल किचन मसाले की, जो हर किचन में है, जिसको हम हर रोज दिन में 2 बार 3 बार यूज करते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और उसके क्या फायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले, अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस गोल्डन मसाले की, देख रहे हैं आप और शायद पहचान भी रहे होंगे। जी हाँ, ये हल्दी है, पिसी हुई हल्दी। ये हल्दी हम साबुत भी ले सकते हैं, ये हल्दी हम कच्ची भी ले सकते हैं, जिस भी रूप में लेंगे वो बहुत फायदा करेगी। और ये सिर्फ खाने से ही फायदा नहीं करेगी, लगाने से भी फायदा करेगी। हल्दी का उपटन सुना है ना, दुल्हन को दूल्हे को लगाते हैं ताकि उसकी स्किन में निखार आ जाए। मैक्सिमम दूल्हा दुल्हन को बहुत ज्यादा सजाया जाता है ना, और उससे पहले हल्दी का उपटन लगाया जाता है ताकि उसकी स्किन में जो है वो एक ग्लो आए। लेकिन अगर हम डेली इसको यूज करें तो हमारी स्किन में हमेशा ही ग्लो रहेगा। जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन दूल्हा बने या दुल्हन बने उसी दिन ग्लो चाहिए, हमें तो हमेशा ग्लो चाहिए। कैसे यूज करते हैं वो भी बताती हूँ। तो हमारी जो स्किन में ग्लो तो आएगा ही आएगा, अर्ली एजिंग नहीं होगी, जल्दी से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। चेहरे के ऊपर बहुत सारी समस्याएं, जैसे पिगमेंटेशन है, जैसे एक्ने का प्रॉब्लम है, जैसे गर्मियों में रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर इसको यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे यूज करना है इसके मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चाहें तो आपको लिंक मिल जाएगा, और एक आध यूज मैं आज भी बताने वाली हूँ कि इसको कैसे कैसे यूज करना है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये इतनी फायदेमंद क्यों है। हम इसको सब्जी में यूज करते हैं उसके अच्छे कलर के लिए। जब हम हल्दी को सब्जी में मिलाते हैं उसका बहुत डिसेंट सा कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है, और जिस चीज का कलर अच्छा आएगा, देखने में अच्छी लगेगी, वो खाने में भी स्वादिष्ट लगती है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ कलर ही इसका फायदा नहीं, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको क्यूरक्यूमिन बोलते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा जिसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप जिस चीज की बात करो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फ्री रेडिकल्स से फाइट कर सकती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एंटीसेप्टिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो ये आपकी बॉडी में किसी भी फ्री रेडिकल को या तो आने ही नहीं देगी, या तो आ गया है तो उसको जल्दी से निकाल के बाहर करेगी, यानी कि फॉरेन एलिमेंट्स को खत्म करने में ये बहुत फायदेमंद होती है। ये बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसको कितना फायदा होता है वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी किस तरह की, अगर आपकी बॉडी गर्म मिजाज की है तो आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, अगर आपकी बॉडी ठंडे मिजाज की है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा खाना है। कितना खाना है, 2 ग्राम से 5 ग्राम तक डेली खा सकते हैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। अगर आपकी बॉडी ज्यादा गर्मी वाली है, बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है, तो आप कम खाएं, लेकिन अगर हीट नॉर्मल है तो आप 3 से 4 ग्राम तक खा सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी कूल टाइप है, ज्यादा कोल्ड जिसमें होता है, ठंडा ज्यादा है, तो आप 5 ग्राम तक भी खा सकते हैं। नंबर 1, इसके अंदर पाया जाने वाला कुरकुमिन जो है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉडी से किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को खत्म करती हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो कई सारी क्रॉनिक डिजीज का कारण बन सकता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, या यहाँ तक कि कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा लंबे समय तक रहे तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देंगी और ये
इससे आपको फायदा होगा। नंबर टू, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर गलती से जो फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं उनके बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उनके बैड इफेक्ट को खत्म कर देता है। और जब बैड इफेक्ट नहीं होगा तो आपके सेल डैमेज नहीं होंगे, सेल की हेल्थ अच्छी होगी। ये आपके ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्रक्यूमिन को खाते हैं, अगर आप हल्दी को खाते हैं, तो आपके ज्वाइंट्स में पेन नहीं होगा। नंबर वन तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, नंबर टू ये पेन किलर का काम करेगी और आपके ज्वाइंट पेन को रोकेगी। और इसको अगर अप्लाई करते हैं, अगर हल्दी का पेस्ट बना के उसको ज्वाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो पेस्ट जो है वो पेन को खींच के आपके ज्वाइंट्स की पेन को खत्म करता है। मतलब आप खाते हैं तो भी आपको फायदा है, और अगर आप ज्वाइंट के ऊपर पेन के लिए लगाते हैं तब भी आपको फायदा है। एक मैं आपको राज की बात बताऊं, अगर किसी का कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, तो एक चुटकी हल्दी उसके ऊपर ऐसे रख दो, एक सेकंड के लिए उसको ऐसे पकड़ लो, तुरंत उसका ब्लीडिंग रुक जाएगी। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है ये, और बहुत जल्दी ब्लीडिंग को रोक देगा। नेक्स्ट आता है कि ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये तो सदियों से इसको यूज किया जाता था डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इसके खाने से लीवर में बाइल जूसेस अच्छे से बनते हैं, मतलब ज्यादा बनते हैं, और जितने ज्यादा बाइल जूसेस बनेंगे उतना ज्यादा आपका डाइजेशन जो है वो तेज होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि हमारे लीवर से जो बाइल जूसेस स्टमक में पहुंचते हैं वही डाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। जब वो अच्छे से बनेंगे तो डाइजेशन भी अच्छे से होगा, और जब बाइल जूसेस अच्छे से बनेंगे तो फैट का अब्सॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। मतलब फैट जो आप खाएंगे वो आपके काम ही आएगा, वो आपको नुकसान नहीं करेगा इधर उधर जमा होगे, तो ये फैट अब्सॉर्प्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, टर्मरिक में जो कुरकुमिन पाया जाता है उसके न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो आपके नर्व्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और जब नर्व्स का प्रोटेक्शन होता है तो ब्रेन पावर बढ़ती है, ब्रेन में क्लैरिटी आती है, ब्रेन में फॉगिंग नहीं होता है, और ओल्ड एज में होने वाली बीमारी जैसे अल्जमेर है, भूल जाने की बीमारी है, ऐसी बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भूलना शुरू हो गए तब हल्दी खानी, ऐसा नहीं, वो तो शुरू से आपको खानी पड़ेगी तभी आपको वो सारे फायदे होंगे, आपकी बॉडी उसके यूज टू होगी और आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करके आपको बीमारियों से बचा के रखेगी। अब बात आती है कि कुरकुमिन बहुत अच्छा है, लेकिन कुरकुमिन जो है वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, और बहुत देर से डाइजेस्ट होने से उतने फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके फायदे को तेज करने के लिए, यानी कि वो जल्दी से डाइजेस्ट और जल्दी से आपको फायदा दे, उसके लिए आपको इसके साथ ब्लैक पेपर यूज करना पड़ेगा। मैंने एक गोल्डन मिल्क की रेसिपी बनाई थी, गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी का दूध बना के अगर उसमें एक चुटकी हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कुरकुमिन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कुरकुमिन दो चीजों से जल्दी से डाइजेस्ट होता है, या तो उसमें थोड़ा सा फैट मिलाया जाए या तो उसमें ब्लैक पेपर मिलाया जाए। ब्लैक पेपर आराम से मिला सकते हैं, आप अपनी सब्जी में भी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, आप अपने दूध में भी अगर गोल्डन मिल्क बना रहे हैं तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये दो ऑयल ऐसे हैं अगर इनको आधा चम्मच आप साथ में पी लेते हैं तो हल्दी के बेनिफिट्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो देखा आपने हल्दी के कितने सारे फायदे हैं, जिसको हम रोज खाते हैं लेकिन हमें उतने सारे उसके फायदे के बारे में नहीं पता है। हम क्या करते हैं, हल्दी डाली और छोंक को पकाया 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 ताकि उसका कलर और इनहांस हो और इनहांस हो, और वो पकाने के चक्कर में हम इसके गुणों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके इसके गुणों को खत्म कर देते हैं या तो आधे कर देते हैं। आपने क्या करना है, स्टीम्ड वेजिटेबल के ऊपर अगर आप स्टीम करते टाइम हल्की सी हल्दी डाल दें और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें तो ये बहुत तेजी से असर करेगा। और ऐसे बनाई हुई सब्जी जो है अगर जब आप खाएंगे, सब्जी का पोर्शन ज्यादा रखेंगे, ग्रेन्स का पोर्शन कम रखेंगे, तो आपका वेट लूज बहुत अच्छे से होगा, बहुत जल्दी होगा, आपको कभी ज्वाइंट पेन नहीं होगा, आपके ब्रेन फंक्शनिंग बहुत तेज रहेगी, और न जाने कितने सारे और फायदे जो एक वीडियो में पूरे पूरे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मेन मैंने आपको फायदे बताए हैं, ये फायदे आप उठा सकते हैं, लेकिन सब हल्दी को ज्यादा पकाना नहीं है। हाँ, एक और चीज, आप कच्ची हल्दी को खा सकते हैं, आप कच्ची हल्दी का अचार बना के खा सकते हैं, आप उसको अपने सैलेड में मिला के खा सकते हैं। कच्ची हल्दी को काटा जैसे हम अदरक खाते हैं वैसे ही आप उसको भी खा सकते हैं। तो हल्दी तो किसी भी तरीके से खाई जाए तो बहुत फायदा करेगी, बस ध्यान ये रखना है कि उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ना मिलावट हो उसके लिए क्या करेंगे, साबुत हल्दी लेके आए घर में आके पीस लें, मिलावट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। आप हल्दी
के फायदे आपको पता चल गए हैं, कैसे खाना है वो पता चल गया, कितना खाना है वो भी पता चल गया। बस अब आप तो आपने प्योर हल्दी लेनी है और उसको यूज करना शुरू करना है, उसके साथ में ब्लैक पेपर, और उसके साथ में आपके पास आराम से मिलने वाला या तो कोकोनट ऑयल या तो ऑलिव ऑयल, जो भी मिल जाए उसको यूज करना है और पूरे फायदे उठाने हैं। तो चलिए हल्दी से फायदे उठाइए, और कितने फायदे हुए वो मुझे जरूर बताइए, कितना आपको फायदा हुआ बताएंगे तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा कि मेरी बताई हुई चीज से किसी को फायदा हुआ। आप इसके फायदे उठाइए पूरे पूरे, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।